गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर रीडिंग अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, द एनिमल्स विच कैन लिव विद अस इन आर हाउस, जस्ट लाइक आर फ्रेंड्स और आर फैमिली मेम्बर्स। जो एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, या यू कैन से पेट एनिमल्स। हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हमारे फ्रेंड्स एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं हमारे घर में हमारे साथ रहते हुए, और हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसे आज एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्हें हम अपने साथ रख सकते हैं, रखते भी हैं। तो रैबिट, खरगोश, हॉर्स, घोड़ा, शीप, भेड़, गोट, बकरी, चिकन, मुर्गी, रूस्टर, मुर्गा, डक, बत्तख, काऊ, गाय, डंकी, गधा, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता एंड पिग, सुअर। ये सारे एनिमल्स के नेम हैं जो पेट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं, और ये हम अपने साथ रखते हुए इनसे कुछ सर्विसेज भी लेते हैं। सर्विसेज लेने का मतलब जैसे कि ये हमारे हेल्प करते हैं, जैसे कि जो काऊ है, काऊ को हम अपने साथ रखते हैं और ये हमें क्या देती है, मिल्क देती है। तो हम इनसे कुछ ना कुछ हमें मिलता भी है। जैसे शीप है, शीप हमें क्या देती है, हमें वूल देती है। हॉर्स, हॉर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, घोड़े का यूज़ जब हमें यहाँ से वहाँ जाना होता है या सामान कैरी करने के लिए, हमें अपने घर का कोई भी सामान इधर से उधर लेकर जाना है तो हॉर्स का हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही गोट, जो गोट है, गोट का मिल्क जो वो यूज़फुल होता है। डॉग जो है, डॉग कहाँ पर यूज़ करते हैं, डॉग घर को गार्ड करता है, घर की चौकीदारी करने में काम आता है। तो ऐसे ही जितने भी एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं, तो आप सभी देखते हैं आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स सबके कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो ऐसे ही ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही होते हैं और इनसे भी हम कुछ ना कुछ काम कराते हैं या लेते हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन सब के डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स के नेम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनकी पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। बाकी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।